हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हमारे सामने खड़ा है पंच का टॉप ऑफ द लाइन क्रिएटिव मॉडल। एंड अगर इसके मैं प्राइस की बात करूं तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो ये मॉडल आपको कॉस्ट करेगा 8.52 लाख एक्स शोरूम। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस मॉडल को बाकी मॉडल से अलग बनाती है। तो कार के फ्रंट में ही आपको ये क्रोम स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी जो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाती है। इसके साथ साथ आपको ऊपर DRL देखने को मिलेंगे प्लस हाइलोजन में टर्न इंडिकेटर। हेडलाइट में आपको प्रोजेक्टर लो बीम में देखने को मिलेगा प्लस हाइलोजन हाई बीम में। इसके साथ साथ फॉग लैम्प मिलेंगे, वो भी हाइलोजन में देखे हैं। इसके रेडिएटर ग्रिल में आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिलेगा। भाई, ये कार आती तो माइक्रो SUV सेगमेंट में, बट कहीं से भी आपको फील नहीं होगा कि आप किसी छोटी कार में बैठे। पूरी SUV वाली फील देती है यार ये कार आपको। एंड इसके साथ साथ बात करूं मैं इस कार के साइड प्रोफाइल की, तो भाई साइड प्रोफाइल भी आप एक बार चेक कर लो। साइड प्रोफाइल भी कार का बहुत ही ज़बरदस्त है। कार बिल्कुल एक बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आती है जो बिल्कुल फील कराती है कि अभी एक SUV कार चला रहे हो। बात करूं यार कार के अलॉय व्हील की, तो डायमंड कट अलॉय व्हील आपको इसमें मिलते हैं। एंड टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 195/60 R16 इंच के इसमें आपको टायर मिलेंगे। 16 इंच के टायर इस कार में दिए गए हैं जो कि मेरे को लग रहा है काफ़ी सफिशियंट है इस कार के साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये जो पूरी क्लाइडिंग यूज़ की गई है ये भी कार को थोड़ा एक SUV लुक देती है। बात करें टर्न इंडिकेटर, आपको इसके ओवर व्यू पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बॉडी कलर में ही आपको इसके डोर हैंडल मिलेंगे, कोई रिक्वेस्ट सेंसर इसमें नहीं दिया गया है। एंड अगर मैं कार के रेयर प्रोफाइल की बात करूं और आपको रेयर प्रोफाइल में ले जाके देखूं तो कुछ ऐसा सा रेयर प्रोफाइल है। अभी कार का बूट ओपन है तो मैं बूट क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि कार रेयर प्रोफाइल से कैसी लगती है। तो कुछ ऐसा सा इस कार का रेयर प्रोफाइल लगता है। मेरा पर्सनली मानना है थोड़ा और अच्छा हो सकता था ये रेयर प्रोफाइल। टेल लाइट में आपको नॉर्मल हाइलोजन सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइट माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएंगे। एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया है। इसके अलावा सेंटर में पंच की बैचिंग देखने को मिलेगी और कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। इसके अलावा दो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे आपको बम्पर में। एंड बात की जाए इस कार के बूट की, तो यहाँ पे आपको बूट एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना बूट एक्सेस कर सकते हो। इस कार में साइड में आपको हुक देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना सामान कैरी कर सकते हो, दो हुक्स दिए गए हैं। इसके अलावा भाई 366 लीटर बूट कैपेसिटी है इस कार की। एंड बात करें स्टेपनी की, तो यहाँ पे आपको स्टेपनी देखने को मिल जाएगी। सेम साइज का आपको स्टेपनी मिलेगा, 16 इंच का ही टायर इसमें दिया गया है तो सेम साइज की स्टेपनी मिलेगी। अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कार का इंटीरियर कैसा है। इस कार का एक और बेस्ट फीचर है इसके 90° ओपन डोर। एंड बात की जाए ड्यूल टोन यूज किया गया है डोर्स पे भी। यहाँ हाथ सारा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे है विंडोज के कंट्रोल, ग्लॉसी ब्लैक लिवर, साथ ही साथ ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको 6-way एडजस्टेबल सीट मिलेगी प्लस हाइट एडजस्टेबल का फीचर दिया गया है यहाँ पे। एंड इसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ इको और सिटी मोड्स के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस मॉडल में। अब चलते हैं कार के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से इस कार का इंटीरियर कैसा लगता है। तो ड्यूल टोन इंटीरियर यूज किया गया है, ऑफ वाइट सा कलर है, उसके साथ साथ एक ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल है इस व्हाइट कलर को, थोड़ा सा जल्दी गंदे हो सकता है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी काफी अच्छी है और ये जो आप देख रहे हो ना इस इवेंट पे गोल्डन कलर सा, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कार में और काफी अच्छा लुक बढ़ा रहा है कार का। बात करें ग्लव बॉक्स के साइज की, तो स्टोरेज साइज काफी सफिशियंट है, आप अच्छा खासा सामान इसमें स्टोर कर सकते हो, तो ग्लव बॉक्स का साइज अच्छा है। भाई इस चीज के लिए तो हेड्स ऑफ है टाटा के लिए कि उन्होंने मैनुअल एसी का जो डिजाइन चेंज किया है काफी अच्छा लुक हो गया इसके बाद मैनुअल एसी। यहाँ पे एक USB पोर्ट आपको मिलेगा और साथ ही साथ 12 वाट का सॉकेट। तो भाई 12 वाट के सॉकेट पे आपको जो मर्जी करना है वो करो, ये सॉकेट काम आएगा जब आपको ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी फिट करोगे। उसके साथ यहाँ पे आपको गेयरबॉक्स का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। यहाँ पे एक और सॉकेट आपको खाली मिलेगा, लगा सकना है चाहो तो लगा सकते हो 12 वाट का दोबारा से सॉकेट। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग देखने को मिलता है इस मॉडल में आपको। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे म्यूजिक के कंट्रोल्स और उसके साथ साथ क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टॉप मॉडल है, क्रूज कंट्रोल चलाओ, साथ में आपको टाटा की बैजिंग सेंटर में। बात की जाए MID स्क्रीन मिलेगी सेंटर में, उसके साथ स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर आपको एनालॉग में देखने को मिलेंगे इस कार में। एंड बात करूं यार सिटिंग कंफर्ट की ना, तो सिटिंग कंफर्ट काफी अच्छा है कार का। अगर सीट्स में अगर बात करूं सपोर्ट्स की एंड कुशनिंग की, बहुत अच्छी सपोर्ट एंड कुशनिंग आपको देखने को मिलेगी सीट में, काफी कंफर्टेबल सीट है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है सीट में। इसके अलावा ड्राइवर साइड आपको कार्ड होल्डर मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको बल्ब दिया हुआ है जो कि हैलोजन में ही है। मैनुअल IRVM इसमें आपको दिए गए हैं एंड को पैसेंजर आपको वैनिटी मिल जाती है एक। तो ओवरऑल बात करूं यार कार का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है एंड इसके रियर सीट से मैं ऑलरेडी बैठा हूं, तो मैं रियर सीट के कंफर्ट की आपको बताऊं तो दो एडल्ट और एक बच्चा इसमें बैठ जाते हैं कंफर्टेबली। एंड अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट आप हो, तो हो सकता है आपको थाई सपोर्ट में थोड़ी कमी देखने को मिले। तो अब चलते हैं कार के बाहर एंड बात करते हैं थोड़ा इस कार के बारे में।
तो यार ये मॉडल है क्रिएटिव, एंड जो कलर आप देख रहे हो ये है डेटोना ग्रे कलर, एंड ये कलर पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगता है इस कार में। जो इसके साथ ये ब्लैक लाइटिंग आप देख रहे हो ना नीचे, ये थोड़ा मिक्स हो जाती है और बिल्कुल भी ऑड नहीं लगती, बहुत ही अच्छा लगता है ये कलर इस कार में। और अगर आप चाहते हो इस कार को ऑप्ट करना ना भाई, तो बेझिझक इस कार को ऑप्ट कर लो। टाटा पंच इस टाइम पे टाटा की सेकेंड मोस्ट कार है, जो सेल्स के मामले में बात कर रहा हूँ आपसे, ये सेकेंड नंबर पे कार आती है जो नेक्सॉन के बाद सेल होती है। तो भाई कार पे लोगों का बिलीव इतना ज्यादा है कि इसकी सेल हर महीने ये कार 10,000 यूनिट प्लस सेल कर रही है, एंड अभी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कार है ये। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।